हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन्स में डिस्कस करने वाले हैं अलगपा यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन के बारे में, जो कि स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 10th of March। तो अगर आप तक अभी तक आपने फिल नहीं किए हैं फॉर्म्स, तो आप फिल कर लीजिए। सबसे अच्छी बात इस एडमिशन में ये है कि बहुत सारे स्ट्रीम से इन्होंने एडमिशन्स डिसाइड किए हैं करने को, मतलब इसमें आर्ट्स भी है आपका, साइंस भी है, एजुकेशन भी है और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट की कवर कर रहे हैं और प्लस और कौन सी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें। सो यू हैव टू विजिट टू द साइट dynamicstudy.com एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द PhD एडमिशन। So this is the first notification I have uploaded। तो ये जो आपका है इसकी फ़ीस जो है वो 500 rupees है सिर्फ, और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 15th of March को हो जाएगा। 10th of March को जो प्रोसेस है ये आपकी क्लोज़ हो रही है। तो अगर हम इस पूरे प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आर्ट्स, साइंस, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स में आपका तमिल है, इंग्लिश है, वुमेन्स स्टडी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, फाइन आर्ट्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंसेज, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में भी ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर किया हुआ है। मैनेजमेंट में भी आपके मैनेजमेंट, कॉमर्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप एंड बैंक मैनेजमेंट, इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, पॉलिटिकल साइंस एंड आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एजुकेशन में आपका एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इंक्लूडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए उनके लिए जो SC ST OBC कैटेगरी के एंड 55 फ्रॉम अदर कैटेगरीज। और उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होगा, तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अदरवाइज जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा एंड आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा। टोटल जो मार्क्स होगा क्वेश्चन का वो आपका 150 होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 150 क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू फॉर्म में होंगे क्वेश्चंस आपके। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 स्टेप का प्रोसेस है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जैसा मैंने आपको बताया 500 rupees है। पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करनी होगी, दिस इज़ द PDF। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैंशनड है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर मैंशनड है। उसके अलावा अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर आप, तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस ऑफिशियल वेबसाइट से। थैंक यू सो मच।